विद्या, आपकी हर भूमिका अलग होती है, हटके होती है, और हर फिल्म आप एक हीरोइन ओरिएंटेड फिल्म ऐसे हर फिल्म में दिखता है, तो इस फिल्म में भी काफ़ी चैलेंजिंग रोल कर रही है आप, और फिल्म में गालियां भी है जो आपको देनी पड़ रही है, ऑफ कोर्स आपकी भूमिका वैसी है, सो ये कितना आसान था आपके लिए, या यू नो कैसे कहेंगे? बहुत आसान था, मैं तो रोज़ गालियां भगती हूँ. नहीं, मैं गालियां नहीं बकती, पर पहली मरतबा बार बकी. हाँ, भड़ास निकाल ली मैंने इस फिल्म में, जो हर बार मेरे दिमाग में कभी गाली चलती है और मैं बक नहीं पाती, इस फिल्म में श्रीजीत ने मुझे छूट दे दी. कभी कभी किसी दूसरे का लाइन चल रहा होता, मुझे कोई लाइन, मेरा अगर कोई लाइन नहीं होता शॉट में, तो मैं बीच में गाली बक देती. नहीं, पर जोक्स अपार्ट, आई थिंक ये जहाँ से आती हैं, जिस तरह का माहौल है, वो गालियाँ बहुत आसानी से बकती हैं सारी की सारी लड़कियाँ, कोई बड़ी बात नहीं है. तो व्हेन आई वाज प्लेइंग द रोल, आई डिडंट थिंक कि अच्छा मैं गाली कैसे बकूँ, बिकॉज यू कांट बी बेगम जान एंड बी यू नो, मैं शायराना उर्दू नहीं बोल सकती. तो आई इन्जॉय प्लेइंग डिफरेंट कैरेक्टर्स. जैसे हर बार जब हम खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए कुछ अलग हो, लंच के लिए अलग हो, शाम का अलग हो, रात का अलग हो, तो बहुत मज़ा आता है. फिर गालियाँ सिर्फ तड़के की तरह होता है. या अब आप कंफर्टेबल हैं, मतलब आप आदत हो गई? मैं कंफर्टेबल हूँ, पर मैं कैमरा के सामने बोल नहीं सकती, आप लोग दिखा नहीं पाएंगे. For more Bollywood updates, subscribe now to youtube.com/biscuittv.